वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2021 में आई मूवी द मार्क्समैन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है लियाम नीसन। मूवी की शुरुआत में हमें एरिजोना मेक्सिको बॉर्डर के पास एक कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक माँ बेटे को देखते हैं। माँ का नाम रोजा है और बेटे का नाम मिगेल है। तभी रोजा को कार्लोस नाम के एक आदमी का कॉल आता है कि जल्दी से मिगेल को लेकर घर से निकल जाओ, हमारे पीछे काटल वाले पड़े हैं। तो रोजा अपने बेटे को लेकर यहाँ से निकलने लगती है और वहीं कार्लोस को काटल वाले पकड़ लेते हैं। काटल का आदमी मोरिको कार्लोस के फोन को चेक करता है, जिससे उसे रोजा के बारे में पता चलता है और इसके बाद कार्लोस को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद हमें एरिजोना का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जिम हैंसन को देखते हैं। जिम एक एक्स मरीन स्नाइपर है और फिलहाल जिम हंटिंग पे आया हुआ है। जिम का एक पेट डॉग भी है जिसका नाम जैक्सन है। तभी जिम को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं। तो जिम बॉर्डर पेट्रोल को इसके बारे में रिपोर्ट करता है कि कुछ लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और वो लोग मेरे रांच से होते हुए नॉर्थ साइड जा रहे हैं। इसके बाद जिम अपने घर लौट आता है, जहां उसकी मुलाकात कार्ल नाम के आदमी से होती है, जो काउंटी मर्चेंट बैंक के लिए काम करता है। कार्ल बताता है, आपने काफी समय से बैंक की किस्त जमा नहीं की है, तो बैंक ने आपके रांच को 90 दिनों में नीलाम करने का डिसीजन लिया है और आपके पास सिर्फ 90 दिन है ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या करना है। तो जिम बैंक की किस्त भरने के लिए पैसों की जुगाड़ करने जाता है, मगर उसका काम नहीं बनता और अब वो काफी परेशान है। इसके बाद जिम अपना गम भुलाने के लिए एक बार में जाता है, जहां उसे एक ब्यूटीफुल लेडी आकर मिलती है और ये लेडी सैरा हैंसन है, जो कि जिम की बेटी है और सैरा बॉर्डर पेट्रोल के लिए काम करती है। सैरा बोलती है कि बारटेंडर ने मुझे कॉल किया था कि तुमने कुछ ज्यादा ही चढ़ा ली है। इसके बाद सैरा जिम को उसके घर ले आती है और ये लड़की तो काफी अच्छी है, जो अपने काम के साथ साथ अपने फादर की केयर भी करती है। इसके बाद हमें रोजा और मिगेल दिखाए जाते हैं, जो कि यूएस मेक्सिकन बॉर्डर को क्रॉस करना चाहते हैं और जल्द ही इन्हें बॉर्डर फेंसेस के बीच में से निकलने की जगह मिल जाती है, जहां से लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस किया करते हैं। मगर एक वायर से रोजा की काफी चोट लग जाती है और इसी समय जिम भी यहां से गुजर रहा होता है। तो जिम रोजा को रोक कर बोलता है कि तुम इतनी घायल हालत में किसी भी बसावट तक नहीं पहुंच पाओगी। तो रोजा जिम से हेल्प मांगती है, मगर अब तक काटल वाले भी यहां तक पहुंच चुके थे। तो मोरिको नाम का आदमी जिम से बोलता है कि मैं इस औरत और लड़के के लिए आया हूं, मगर जिम रोजा और उसके बेटे को काटल को सौंपना नहीं चाहता। तो यहां पर मामला काफी सीरियस हो जाता है और जिम काटल वालों पर फायरिंग चालू कर देता है और रोजा और उसके बेटे को ट्रक में बिठाकर निकलने लगता है, मगर मोरिको उनका पीछा करता है और इनके ट्रक पर चढ़ जाता है, मगर जिम उसे गिराकर यहां से भाग जाता है। मगर इस पूरी गोलीबारी में एक गोली रोजा को लग गई थी। वहीं मोरिको को उसका आदमी बताता है कि शूट आउट में तुम्हारा भाई मारा गया है और दूसरी तरफ रोजा मरने वाली थी। वो जिम से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरे बेटे को मेरी कजन तक पहुंचा दो, वो शिकागो में रहती है, और ऐसा कहकर रोजा मर जाती है। इसके बाद जिम बॉर्डर पुलिस को बुला लेता है, जो रोजा की बॉडी को ले जाते हैं और अब वही लोग मिगेल को भी हैंडल करेंगे। नेक्स्ट डे जब जिम अपने घर लौट रहा होता है, तब उसे अपनी कार में रोजा का बैग मिल जाता है, जिसमें बहुत सारे पैसे थे। तो जिम को रोजा के वर्ड्स याद आने लगते हैं कि कैसे उसने जिम से अपने बेटे को शिकागो पहुंचाने की रिक्वेस्ट की थी, और रोजा की बातें जिम के दिमाग में घूमने लगती हैं। तो जिम वापस बॉर्डर पेट्रोल वाले के ऑफिस जाने लगता है, मगर उसे ये नहीं पता था कि मोरिको इस ऑफिस पर नजर रख रहा है और उसे जिम नजर भी आ गया है। वहीं जिम ऑफिस में अंदर जाकर मिगेल को अपने साथ ले जाता है, मगर वो ये काम लीगली नहीं बल्कि चोरी छुपे कर रहा है। इसके बाद जिम मिगेल को लेकर यहाँ से निकल जाता है और ये देखकर मोरिको स्माइल करके अपने आदमी से बोलता है कि गेट रेडी, हम उनका पीछा करेंगे। वहीं जिम अपने घर लौटकर अपना सारा सामान रेडी करने लगता है, मगर जब वो अपनी कार तक लौट के आता है, तब तक मिगेल यहाँ से भाग चुका था। वहीं मोरिको वगैरह बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ये बॉर्डर पेट्रोल करप्ट है या वो शायद काटल से डरता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जिम ने मिगेल को ढूंढ लिया है। जिम उसे समझाता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। इसके बाद जिम अपनी बिग रोड ट्रिप पर निकल जाता है। वहीं मोरिको वगैरह जिम के घर तक पहुंच जाते हैं और उसके घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। वहीं जिम रास्ते में मिगेल से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है, मगर मिगेल को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होती। इसके बाद जिम एक पेट्रोल पंप पर रुककर सैरा को कॉल करके बताता है कि मैं रोजा के बेटे को शिकागो लेके जा रहा हूँ। तो सैरा गुस्सा होकर बोलती है कि डैड, तुमने मुझे फंसा दिया है, हमने तुम्हारे घर पे अपने एजेंट्स भेजे थे, तुम जानते हो किसी ने तुम्हारे घर को जलाकर राख कर दिया है। सैरा बोलती है कि डैड, अब जिससे भी उलझ रहे हो वो लोग बहुत खतरनाक हैं। और जिम ये जानकर काफी गुस्सा है कि काटल्स वालों ने
उसके घर को जला दिया है। गाइस, वैसे अमेरिकन मूवीज के एंग्री बुड्ढे कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। इसके बाद जिम मिगेल से बोलता है कि तुम्हें मेरी जमीन से होकर बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए था, तुम लोगों की वजह से मेरा घर जलकर राख हो गया है। तो मिगेल बोलता है कि अगर तुमने हमें बॉर्डर पे नहीं रोका होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। और यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि मिगेल को इंग्लिश समझ में आती है और वो जिम से काफी नफरत करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से उसकी माँ मारी गई है। इसके बाद हमें एरिजोना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मॉरिको अपने कंप्यूटर एक्सपर्ट से जिम की डिटेल निकलवा लेता है। तो एक्सपर्ट बोलता है कि जिम ने आधे घंटे पहले न्यू मैक्सिको में अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया है, तो ये लोग जिम वगैरह को हंट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब मिगेल कुछ ज्यादा ही एंड रहा होता है तो जिम बोलता है कि मेरा काम तुम्हें शिकागो पहुंचाना है और उसके बाद तुम जो चाहो वो करो, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मगर तभी जिम के ट्रक में कुछ गड़बड़ होने लगती है जिस वजह से उसे रिपेयर के लिए ट्रक को ले जाना पड़ता है। वहीं मॉरिको उस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है जहां जिम ने क्रेडिट कार्ड यूज किया था और स्टोर के सीसीटीवी से मॉरिको जिम के डायरेक्शन को पता लगा लेता है। वहीं जिम वगैरह एक जगह पर स्टे करते हैं। इसके बाद जिम मिगेल से पूछता है कि कार्टल्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, तो मिगेल बताता है कि मेरे अंकल कार्लोस ने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से कार्टल वाले भड़क गए और अब वो हम सभी को मारना चाहते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिगेल जैक्सन को घुमाने ले जाता है और सुबह का नाश्ता खरीद लाता है, तो जिम उसे रिमाइंड करता है कि आगे से शॉपिंग मैं करने जाऊंगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे के लिए निकल जाते हैं, मगर इसी वक्त मॉरिको के आदमी को नोटिफिकेशन आता है कि जिम ने फिर से अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया है। तो ये लोग जल्दी से मॉरिको को जिम की लास्ट लोकेशन बता देते हैं और अब मॉरिको को अंदाजा हो चुका है कि जिम वगैरह टेक्सास हाईवे की तरफ जा रहे हैं। वहीं जिम रास्ते में नोटिस करता है कि एक पुलिस कार तेजी से उनकी तरफ आ रही है। इसके बाद पुलिस वाला जिम के ट्रक को रुकवा लेता है। इसके बाद पुलिस वाला जिम के ड्राइविंग लाइसेंस को ले लेता है और उसे कार से नीचे उतरने के लिए कहता है ताकि वो मिगेल से पूछताछ कर सके। मगर पुलिस वाला मिगेल से बिना पूछताछ किए ही जिम की गन निकाल लेता है और जिम को डिटेन कर लेता है। और जल्द ही जिम को अंदाजा हो जाता है कि ये पुलिस वाला एक डटी कॉप है जो कार्टल से मिला हुआ है। तो जिम इस पुलिस वाले पे हमला कर देता है और जल्द ही उसे पीट पाट कर बेहोश कर देता है। इसके बाद जिम जल्दी से अपने ट्रक को एक जगह पे खड़ा करके देखता है कि उस पुलिस वाले की कार तक मॉरिको वगैरह पहुंच चुके हैं और फिर मॉरिको पुलिस वाले से कोई खास जानकारी न मिलने पर उसे मार देता है। मगर मॉरिको को जिम की एटलस यानी मैप वाली बुक मिल जाती है जिस पर जिम ने अपने शिकागो का रूट मार्क कर रखा था। इसके बाद जिम वगैरह एक गन शॉप पहुंच जाते हैं ताकि न्यू गन ले सकें। मगर जब गन शॉप का ओनर जिम के बैकग्राउंड को चेक करना चाहता है तो जिम उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसमें काफी वक्त लग सकता है और मुझे अभी ही यहां से निकलना होगा, ये लाइफ और डेथ का सवाल है। तो ओनर बोलता है कि तुम चाहो तो गन ले जाओ और मैं चोरी की रिपोर्ट लिखवा दूंगा और इसमें मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मैं एक फेलो सोल्जर के लिए इतना तो कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरी शॉप का लाइसेंस खतरे में पड़ सकता है। तो जिम ओनर को थैंक्स बोलकर यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जिम सेरा से मॉरिको की जानकारी निकलवाता है तो सेरा बताती है कि तुम्हारे पीछे मॉरिको नाम का आदमी पड़ा है जो कि वेस्ट गोस्ट कार्टल के लिए काम करता है और जिस लड़के को तुम ले जा रहे हो उसके अंकल कार्लोस ने वेस्ट गोस्ट कार्टल का काफी पैसा चुराया है जो कार्टल को वापस चाहिए। सेरा बोलती है कि डैड प्लीज इस झमेले से बाहर निकलिए वरना वो लोग आपको मार देंगे। इसके बाद जिम वगैरह एक मोटल जाते हैं जहां पर जिम रिसेप्शन वाले को ब्राइब करके बोलता है कि हमें एक रूम चाहिए और हमारे नाम से कोई रजिस्ट्रेशन मत करना। सो ऑब्वियसली रिसेप्शन वाला वो बंदा जिम की बात मान जाता है। खैर घुस तो हर जगह चलती है। इसके बाद जिम और मिगेल अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात करने लगते हैं। मिगेल बोलता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है और जब वो बड़ी हो जाएगी तब मैं उससे शादी कर लूंगा। और जिम काफी सरप्राइज है कि आजकल के बच्चे काफी एडवांस हैं। वैसे बचपन के प्यार को पपी लव कहा जाता है। मगर जब रात को जिम अपनी टंकी खाली करने जाता है तब उसे कार्टल वाले दिख जाते हैं जो कि इस मॉडल तक पहुंच चुके थे। तो जिम जल्दी से पुलिस को कॉल कर देता है और फिर पीछे वाली विंडो से यहां से भाग निकलता है। मगर जल्दी ही कार्टल वाले जिम के रूम तक पहुंच जाते हैं और उन्हें रूम खाली मिलता है। तो ये लोग जिम वगैरह का पीछा करते हैं मगर तभी इन्हें पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है तो ये कार्टल वाले यहां से भाग निकलते हैं। वहीं जिम एक जगह पे छुपकर मिगेल से बोलता है कि तुम ट्रक में जाकर बैठ जाओ और मैं जैक्सन को लेकर आता हूँ। मगर जिम देखता है कि जैक्सन ने मॉरिको वगैरह को पहचान लिया है और वो इन पर भौंक रहा है तो मॉरिको जैक्सन को मार देता है और ये देखकर जिम काफी दुखी है और गुस्सा भी। और अब जिम जॉन विक की तरह अपनी डॉगी का बदला लेगा। इसके बाद जिम जैक्सन की बॉडी को ट्रक में रख देता है और फिर जिम और मिगेल ओकलाहोमा पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये लोग जैक्सन को दफनाते हैं। जिम बोलता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे तुम्हारी मॉम की डील एक्सेप्ट करनी ही नहीं चाहिए थी। तो मिगेल
ये कहकर यहाँ से भाग जाता है कि तुम ये सब फ्री में नहीं कर रहे हो। मैंने कार में पैसों वाला वो बैग देखा है जो मेरी मॉम का था। तो जिम मिगेल के पास ट्रक ले जाकर बोलता है कि ट्रक में बैठो, हमें शिकागो जल्द ही पहुंचना है क्योंकि मैं और मुसीबत नहीं चाहता। इसके बाद ये लोग शिकागो के लिए निकल जाते हैं, मगर जिम को रास्ते में एक चर्च दिखता है तो वो रोजा के लिए पादरी से प्रे करवाता है। इसके बाद जिम सैरा को फिर से कॉल करके बताता है कि सैरा मैं मिगेल को शिकागो ले जा रहा हूँ। तो सैरा बताती है कि जिस मोटल में तुम लोग रुके थे उसका रिसेप्शनिस्ट मारा गया है और यहाँ के शेरिफ को तुम पर शक है क्योंकि तुम उस मोटल में बिना रजिस्ट्रेशन के रुके थे। तो जिम बोलता है कि सैरा तुम्हें जो सही लगे वो करो, बस हो सके तो पुलिस वालों को 2-4 घंटों के लिए मुझसे दूर रखो। इसके बाद जिम वगैरह आगे के लिए निकल पड़ते हैं। वही कार्टल वाले रेडियो पर न्यूज सुन रहे होते हैं कि टेक्सास हाईवे पर एक पुलिस वाला मारा गया है और ब्लैकवुड मोटल में भी एक मर्डर हुआ है और पुलिस का कहना है कि ये काम एक ही आदमी का है। मगर तभी एक कार्टल वाले को जिम के मैप में जिम की नेक्स्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन पता चल जाती है तो ये लोग भी शिकागो के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद जिम मिगेल को गन चलाना सिखाता है, शायद नेक्स्ट फाइट में जरूरत पड़ जाए। तो मिगेल बोलता है कि किसी दिन मैं उन कार्टल वालों को मार दूंगा। तो जिम उसे समझाता है कि बदले के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद मत करो। वहीं मोरिको ने अपने कार्टल वालों को अलर्ट कर दिया था कि जिम वगैरह शिकागो जा रहे हैं तो कार्टल के लोग सभी रोड और ब्रिजेस पर नजर रख रहे होते हैं। वहीं जिम वगैरह एक ब्रिज के नीचे रात गुजारते हैं। तो जिम मिगेल को रोजा के पैसों वाला बैग देकर बोलता है कि ये पैसा तुम्हारा है। तो मिगेल बोलता है कि मुझे कार्टल का पैसा नहीं चाहिए। तो ये दोनों खिसके हुए लोग पैसों को आग में डालने लगते हैं। ये लोग तो सच में पागल हैं, पैसा भी कोई जलाने की चीज है? खैर मूवी में तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट डे जिम वगैरह शिकागो में इंटर कर जाते हैं, मगर कार्टल के लोग इनके ट्रक को पहचान लेते हैं और जिम को भी अंदाजा हो जाता है कि कार्टल वाले उसके ट्रक में नजर रख रहे हैं। तो जिम हाईवे से उतर जाता है ताकि उन्हें ढूंढना इतना आसान न हो, मगर कार्टल वाले जल्द ही जिम के ट्रक को ढूंढ लेते हैं। तो जिम अपने ट्रक को तेजी से भगाने लगता है, मगर जिम का ट्रक धुआं देना चालू हो जाता है और जल्द ही ट्रक खराब होकर बंद हो जाता है। तो मजबूरी में जिम ट्रक से बाहर निकलकर अपनी राइफल से कार्टल के ड्राइवर को मार देता है जिससे उनकी गाड़ी उल्टा पलटी हो जाती है और फिर कार्टल वाले बाहर निकलकर फायरिंग करना चालू कर देते हैं। तो जिम मिगेल को लेकर खेतों में भागने लगता है और फिर एक फार्म हाउस में छुप जाता है। इसके बाद जिम मिगेल को एक जगह छुपने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाना। इसके बाद जब कार्टल वाले इस तरफ आ रहे होते हैं तो जिम उन्हें एक एक करके मारने लगता है, मगर मोरिको छुपते छुपाते फार्म हाउस तक पहुंच जाता है और मिगेल को पकड़ लेता है और उसे होस्टेज बना लेता है। इसके बाद मोरिको जिम से गन फेंकने के लिए कहता है और जिम ऐसा ही करता है। जिम कहता है कि बच्चे को जाने दो। तो मोरिको बोलता है कि अब मैं अपना डिसीजन बदल लिया है और अब मैं इस बच्चे को नहीं मारूंगा बल्कि इस बच्चे को अपने कार्टल के पास ले जाऊंगा जहां हम इस बच्चे को अच्छे से ट्रेन करेंगे और उसे कार्टल का सोल्जर बनाएंगे और फिर ये बच्चा हमारे लिए काम करेगा हमेशा हमेशा के लिए। मोरिको बोलता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था और जिंदा रहने के लिए मैं भी कार्टल का सोल्जर बन गया। इसके बाद मोरिको मिगेल के हाथों में गन थमाकर फोर्सफुली जिम को मरवाना चाहता है, मगर मिगेल भी काफी चालू था, वो गन की मैगजीन को निकाल देता है जैसा कि जिम ने उसे सिखाया था और फिर जिम मोरिको से भिड़ जाता है और फिर इनमें तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, मगर मोरिको अपने चाकू से जिम को हैवीली इंजर्ड कर देता है और अब तक मिगेल ने गन उठा ली थी। जिम मिगेल को समझाता है कि बच्चे तुम एक हत्यारे नहीं हो। तो मिगेल जिम को गन दे देता है और फिर जिम मोरिको को शूट कर देता है। जब मोरिको मरने वाला था तब जिम उसके पास गन रख के बोलता है कि अब फैसला तुम्हें करना है, बचपन में तुम्हारे पास चॉइस नहीं थी मगर अब है। और फिर जिम यहाँ से निकल जाता है और इसके बाद हमें एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है, यानी मोरिको ने सुसाइड कर ली है क्योंकि शायद वो भी कार्टल के लिए काम करना नहीं चाहता था, वो तो बस जिंदा रहना चाहता था। मगर इस फेलियर के बाद कार्टल वाले उसे मार देते और इसलिए उसने सुसाइड कर ली, वो भी इज्जत से। इसके बाद जिम मिगेल को लेकर निकल जाता है और उसे रोजा के दिए हुए एड्रेस तक ले आता है जहाँ मिगेल की आंट उसे देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद जिम एक बस में जाकर बैठ जाता है ताकि वो अपने घर लौट सके, मगर वो काफी ज्यादा इंजर्ड है और जल्द ही उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं क्योंकि शायद अब उसके पास लौटने के लिए घर भी नहीं है। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।